नमस्कार दोस्तों, आप सभी का औषधि एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दवाइयों संबंधी जानकारी चाहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर दवा, घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स संबंधी जानकारियाँ मिलेगी। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पैरासीटामॉल के बारे में। पैरासीटामॉल की संपूर्ण जानकारी, किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, डोज, साइड इफेक्ट। पैरासीटामॉल एक दर्द निवारक दवा है। यह जो है दर्द और बुखार के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। पैरासीटामॉल एनाल्जेसिक, दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करने वाली दवा है। दोस्तों, अब बात करते हैं पैरासीटामॉल का उपयोग किन बीमारियों में किया जाता है। यह जो है बुखार हो गया हो, दर्द हो, पीठ में दर्द हो, सिर दर्द हो, दांत दर्द हो, माइग्रेन जिसे अर्धकपारी भी बोला जाता है, जुखाम हो, सर्दी जुखाम, ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द हो, चोट लगने के बाद होने वाले दर्द में, मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में, कमर दर्द, साठके का दर्द, गठिए का दर्द, इन सब रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। अब जान लेते हैं पैरासीटामॉल के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मितलिया उल्टी, एलर्जिक स्किन रिएक्शन, गैस्ट्रिक, मुंह में अल्सर, मुंह में छाले पड़ जाना, एनीमिया, थकान, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, पैरासीटामॉल के डोज के बारे में बात कर लेते हैं, इसके खुराक के बारे में और इसे कैसे लेना होता है। आप इसे डॉक्टर के सलाह के बाद ही इसका सेवन करें। एक बार में ही बिना कुचले और चबाए गोली को निगल जाए। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।